हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ जोन्स के बारे में कुछ सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा अर्थ। सही में अर्थ ये नहीं है, बस एक नमूना है अर्थ का, ठीक है? तो हमारे अर्थ पे, यानी कि हमारे जो अर्थ का नमूना है, यानी कि जो कि हम क्या कहते हैं ग्लोब, इस पर हम कई सारी इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं, काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की गई हैं, जो कि ये देखिए आपके सामने है, जो कि है, ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, ठीक है? इन सब के बारे में आपको हम पहले के लेक्चर्स में वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देखिए, ठीक है? तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जोन्स के बारे में, ठीक है? तो देखिए, यह है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो पूरा एरिया है, ये क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है? और आर्कटिक रेखा और नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये जो पूरा एरिया आएगा, इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है? और नीचे देखिए आप, साउथ पोल की साइड, यानी कि जो विषुवत रेखा है इसके नीचे साइड, ये है मकर रेखा। मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का ये जो पूरा एरिया आएगा, ये देखिए, इस पूरे एरिया को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक? और अंटार्कटिक रेखा और साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव तक जो पूरा ये एरिया आएगा, ये सब, ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है? इतना बात क्लियर हुआ। और देखिए, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ भी है, ऊपर भी है, इन दोनों को दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो और पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया है। एक को कहते हैं टैगा, एक को कहते हैं टुंड्रा, ठीक है? इतना बात क्लियर हुआ। आइए दोस्तों, इस एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? उष्ण का मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा कि गर्मी से है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सही में यहाँ यह क्षेत्र ऐसा है जहाँ की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सूरज का किरण होता है, सूरज की किरणें डायरेक्ट इस क्षेत्र पे पड़ती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। गर्मी रहती है तो गर्मी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? उष्ण, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक? और इधर सूरज का लाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक, डायरेक्टली पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, सूरज का किरण जो होता है वो, उसका प्रभाव कम पड़ने लगता है, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, तो धीरे धीरे इधर क्या होगा, ठंडक बढ़ेगी, इधर ठंडक बढ़ेगी, यानी कि जैसे हम साउथ पोल के पास पहुँच जाएंगे और नॉर्थ पोल के पास पहुँच जाएंगे, ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है? तो इसलिए हम देखिए, इस जोन को क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत से आपको पता लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है? अब देखिए, ये जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक उठाएगा एक को टुंड्रा। आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे क्या है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। इस बार जो साउथ पोल की तरफ है इसको टुंड्रा, और जो ये वाला एरिया है इसको टाइगर कह रहे हैं। तो अब आप हमको बताइए कि सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है? सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय है। सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ, किस जोन में पड़ती है? फ्रिज जोन में पड़ती है, ठीक? सबसे ज़्यादा गर्मी किस जोन में पड़ती है? तो टोराइड जोन में पड़ती है, ठीक है? और अगर हम कहें फ्रिज जोन में ही सबसे ज़्यादा ठंडक क्षेत्र कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? टुंड्रा, ठीक, ठीक है ना?